हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। लोकसभा के चुनाव खत्म हो चुके हैं और साथ ही साथ उसकी मतगणना भी पूरी हो चुकी है। तो आइए हम बात करते हैं कि बिहार के 40 सीटों पर कौन से उम्मीदवार विजयी रहे और कौन उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, और साथ ही साथ उनके जीत का मार्जिन क्या था। तो हम अभी भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, जहाँ पे हम सभी सीटों का डाटा देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए हम शुरू करते हैं इस आज की वीडियो को। सबसे पहला सीट है अररिया। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह विजयी हुए हैं। साथ ही दूसरे नंबर पर राजद के सरफराज आलम थे, और इन दोनों के बीच में जीत का अंतर 1,37,241 वोटों का था। उसके बाद है आरा, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के आरके सिंह विजय हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राजू यादव थे, तथा इनके बीच का भी अंतर 1,47,285 मतों का था। उसके बाद औरंगाबाद, जहां से सुशील कुमार सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे, विजय हुए हैं। और दूसरे नंबर पे उपेंद्र प्रसाद, जो कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के थे, इनके मतों का अंतर 72,607 का था। उसके बाद है बांका, जहां से जनता दल यूनाइटेड के गिरधारी यादव विजय हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव थे, इनके बीच मतों का अंतर 2,05,32 था। उसके बाद बात करते हैं बेगूसराय की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार को मात देते हुए सांसद निर्वाचित हुए हैं। इनके बीच एक बहुत बड़ा अंतर था, जो कि 4,22,217 मतों का था। आगे बात करते हैं भागलपुर की, जहाँ से जनता दल यूनाइटेड के अजय कुमार मंडल निर्वाचित हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को पराजित कर सांसद निर्वाचित हुए हैं। इनके मतों का अंतर 2,77,630 मतों का था। उसके बाद हम बात करते हैं बक्सर की, जहां से अश्विनी कुमार चौबे विजय हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और ये जगदानंद सिंह राष्ट्रीय जनता दल को पराजित किए हैं। इनके मतों का अंतर 1,17,609 था। उसके बाद दरभंगा, जहां से भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी ठाकुर निर्वाचित हुए, और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, इनके मतों का अंतर 2,67,979 था। वहीं बात करते हैं गया सुरक्षित क्षेत्र की, जहाँ से जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार निर्वाचित हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितन मांझी थे, इनके मतों का अंतर 1,52,426 था। उसके बाद हम गोपालगंज की बात करते हैं, जहां से जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर आलोक कुमार सुमन निर्वाचित हुए। वहीं दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के सुरेंद्र राम थे, एवं इनके मतों का अंतर 2,86,434 था। आइए हम आपको दूसरे पेज पे लेके चलते हैं। आगे हम बात करते हैं हाजीपुर की, जहां से लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति कुमार पारस राष्ट्रीय जनता दल के शिवचंद्र राम को 2,05,449 मतों से पराजित किए हैं। ये पासवान परिवार का पारंपरिक सीट है। जहानाबाद, जहाँ पे कांटे का टक्कर था और अंत अंत में जाकर के फैसला हुआ, वहाँ से जनता दल यूनाइटेड के चंदेश्वर प्रसाद ने
राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव को मात्र 1751 मतों से पराजित किया है। वहीं बात करते हैं जमुई की, जहां से रामविलास पासवान के बेटे एवं निवर्तमान सांसद चिराग कुमार पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के भूदेव चौधरी को 241,049 मतों से पराजित किए हैं। झंझारपुर से जनता दल यूनाइटेड के रामप्रीत मंडल ने राष्ट्रीय जनता दल गुलाब यादव को 322,951 मतों से पराजित किया। काराकाट की बात करते हैं, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थे, उन्हें जनता दल यूनाइटेड के महाबली सिंह ने 84,542 मतों से पराजित किया। वहीं हम बात करते हैं कटिहार की, तो यहां पे दुलाल चंद्र गोस्वामी ने, जो कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के तारिक अनवर को 57,203 मतों से पराजित किया। इसके बाद हम बात करते हैं खगड़िया की, जहां से लोक जनशक्ति पार्टी के चौधरी महबूब अली कैसर ने वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, जो कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको 248,570 मतों से पराजित किया है। वहीं बात करते हैं किशनगंज की, तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल यूनाइटेड के सैयद महमूद अशरफ को 34,466 मतों से प्राप्त किया। यही एकमात्र सीट थी बिहार की जहाँ पे महागठबंधन विजय प्राप्त की है। इसके बाद हम बात करते हैं मधेपुरा की, तो यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के दिनेश चंद्र यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के शरद यादव को पराजित किया है। मधुबनी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार यादव ने वीआईपी पार्टी के बद्री कुमार दुबे को 454,940 वोटों से मात दी है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, हम बात करेंगे महाराजगंज की, जहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, राष्ट्रीय जनता दल के रणधीर कुमार सिंह को 230,772 मतों से पराजित किया। मुंगेर की बात करते हैं, तो यहां से राजीव रंजन सिंह उर्फ लाल सिंह, जनता दल यूनाइटेड ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीलम देवी को 167,937 मतों से पराजित किया। इसके बाद हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, तो वहाँ से निवर्तमान सांसद अजय निषाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, वीआईपी के राजभूषण चौधरी को 409,988 मतों से पराजित किया है। नालंदा, यहाँ से जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अशोक कुमार आज़ाद को 256,137 मतों से पराजित किया। नवादा से लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के विभा देवी को 148,072 मतों से पराजित किया है। पश्चिम चंपारण से डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के ब्रजेश कुमार कुशवाहा को 293,906 मतों से पराजित किया। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें राष्ट्रीय जनता दल के मीशा भारती को 39,321 मतों से पराजित किया। पटना साहिब से भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा को 284,657 मतों से पराजित किया। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णिया की, तो यहाँ जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुमार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को 263,461 मतों से पराजित किया। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण की, तो यहाँ से राधा मोहन सिंह ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के आकाश कुमार सिंह को 293,648 मतों से पराजित किया। इसके बाद हम चलते हैं अंतिम पेज पे,
समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को 251,643 मतों से पराजित किया। उसके बाद सारण, जहाँ से राजीव प्रताप रूडी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, राष्ट्रीय जनता दल के चंद्रिका राय को 138,429 मतों से पराजित किया है। सासाराम, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के छेदी पासवान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीरा कुमार को 165,745 मतों से पराजित किया। शिवहर से रामा देवी जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, सैयद फैसल अली जो कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, उनको 340,360 मतों से पराजित किया। वहीं बात करते हैं सीतामढ़ी की, तो यहां से जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार पिंटू ने राष्ट्रीय जनता दल के अर्जुन राय को 250,539 मतों से पराजित किया है। सिवान में जनता दल यूनाइटेड के कविता सिंह को राष्ट्रीय जनता दल के हीना साहब को 116,958 मतों से पराजित किया। वहीं सुपौल की बात करते हैं, तो यहां से जनता दल यूनाइटेड के दिलेश्वर कामत ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की रंजीता रंजन को 266,853 मतों से पराजित किया। उजियारपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा को 277,278 मतों से पराजित किया। यहाँ बात करते हैं वैशाली से, तो यहाँ से वीणा देवी लोक जनशक्ति पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह को 234,584 मतों से पराजित किया। वहीं बात करते हैं अंतिम क्षेत्र वाल्मीकि नगर की, तो यहां से जनता दल यूनाइटेड के वैद्यनाथ प्रसाद महतो ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की शाश्वत केदार को 354,616 मतों से पराजित किया। तो दोस्तों, ये थे बिहार के सभी 40 सीटों का हाल, जिसमें से मात्र एक ही सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीत मिली है और सभी 39 सीटें एनडीए के खाते में गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।